सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ डे डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज लाइब्रेरी लेबोरेटरीज कंप्यूटर रूम डिजिटल क्लासरूम्स म्यूजिक वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल डांस क्लासिकल एंड वेस्टर्न स्पोर्ट्स इंडोर एंड आउटडोर सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज 38 वेड़ाहरे आउटर रिंग रोड पोस्ट वेसा नागपुर अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी कॉन्टैक्ट नंबर 7276066999 एंड 7276055999 सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज सावनेर थाना अंतर्गत के तेलगांव कामठी शिवार में नाग नागिन के प्रणय का दुर्लभ योग 12 मई की सुबह प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि नाग नागिन के प्रणय क्रिया का अवसर नसीब वाले को प्राप्त होता है। ऐसी ही घटना के साक्षी बने सर्प मित्र शुभम ठाकुर ने हमारे स्थानीय संवाददाता को उक्त दुर्लभ नैसर्गिक घटना की जानकारी दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम तेलगांव कामठी के किसान भूषण साफीकर को उनके खेत में बड़ा सांप दिखाई पड़ते ही उन्होंने इसकी जानकारी सर्प मित्र शुभम ठाकुर को देते ही वे घटनास्थल पर रवाना हुए तथा किसान भूषण द्वारा बताए गए जगह पर पहुंचकर मौना कर ही रहते कि उसे खेत में थोड़ी दूरी पर उन्हें कुछ आवाजें सुनाई आने लगी, जिसके चलते उक्त स्थान पर पहुंचकर देखा तो धामन प्रजाति के नर और मादा सर्प प्रणय क्रिया में लिप्त पाए गए। दो सांपों के मिलन का यह दृश्य देख सर्प मित्र तथा वहां उपस्थित लोग भाव विभोर होकर उनका पुण्य दर्शन लाभ लेकर वहां से निकल गए। प्रणय में लिप नाग नागिन को उस वक्त पकड़ना छेड़ना अथवा क्षति पहुंचाने वालों की तस्वीर उनकी आंखों में उभर आती है और वे बदला लेने को आतुर हो जाते हैं। ऐसे समाज में प्रचलित किंवदंतियों तथा एक सर्प मित्र होकर उन्हें जीवन दान देने के लिए कार्य कर रहे सर्प मित्र शुभम ठाकुर उन्हें पकड़ने का मोह त्याग कर उपस्थित दोनों सांपों को प्रणयावस्था में छोड़ वापस हो दिए। एनबीसी न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढुंडले की रिपोर्ट।